हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आप सब ने जो इतना सपोर्ट दिखाया, प्यार दिखाया, उसके लिए तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतना हमें सपोर्ट दिखाया, प्यार दिखाया, हम लोगों ने विजिट किया हिमांशु राज के घर, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज मैं एक नए जोश और एक नए जज्बे के साथ आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये पेयर वाला है। हम लोग इसमें देखेंगे किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर्स होते हैं और किस तरह से इनका सोल्यूशन किया जाता है। पिछले क्लास में, क्लास 9th में, आपने देखा होगा कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को देखा होगा, लेकिन उसमें आपने पेयर को नहीं देखा होगा। लेकिन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और वो भी किस में? पेयर के रूप में। तो हम लोग देखेंगे क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जानेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का किस तरह से युग्म बनता है और किस तरह से उसका हल होता है, कितने विधि से, कितने मेथड से उसका हल किया जाता है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। इन सारे बातों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको फुल कॉन्सेप्ट समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात इसके इंट्रोडक्शन की कर लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में देखिए, आपने क्लास 9th में पढ़ लिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में, जिसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। ये आपने देखा है, क्लास 9th में पढ़ा है कि ये जो है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है और ये जीरो के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान समझिए, इसके बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले पेयर, यानी पेयर ऑफ, यानी दो चीज़ें रहेगा यहाँ पे, बी डैश वाई है प्लस सी डैश है इक्वल टू जीरो है। दैट मीन्स यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यानी दो पेयर है, यानी लीनियर इक्वेशन के दो पेयर्स के बारे में इस क्लास में और इस चैप्टर में स्टडी करना है आपको। और तो और देखिए किस तरह से इसमें क्या होता है, हम लोग उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले बात समझिए, इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब होता है तराजू, मतलब जो दोनों साइड को, एक साइड को और दूसरे साइड को बैलेंस करता है, साथ साथ बैलेंस करता है। यहाँ पर देखिए, ये जो साइड ये है ये जीरो के बराबर है, मतलब इन दोनों का जो साइड्स है वो आपस में क्या है, बराबर है। इक्वेशन का मतलब तराजू होता है, ध्यान समझिएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखिएगा ध्यान समझिएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। ये क्या है, ये वन वेरिएबल, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। और इसका हल क्या होगा, आप जानते हैं कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है। और हम लोग इसको एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए को इसका शून्यक, इसका जीरोस और इसका हल भी कह सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने क्लास 9th में अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या होता है। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको समझना है कि किसी भी रैखिक समीकरण में, चाहे वो एक चर वाला हो, दो चर वाला हो, कुछ हमें अधिकार मिलता है। जैसे कि एक आम नागरिक को अधिकार होता है, उसी तरह से इस समीकरण में भी कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। जानते हैं वो अधिकार क्या है, आइए समझते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा एक्सियम्स ऑफ इक्वलिटी, एक्सियम्स ऑफ इक्वलिटी मतलब होता है समानता की स्वयं सिद्धि, समानता की स्वयं सिद्धि। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, समानता की स्वयं सिद्धि क्या कहता है। समानता की स्वयं सिद्धि आपको कहता है कि अगर दो नंबर दिया है, मान लीजिए कि ए इक्वल टू बी है, तो इन दो नंबर में हम कुछ और ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी ऐड कर दिए, मान लीजिए मैंने इस तरह से नंबर को लिखा ए इक्वल टू बी लिखा, तो हम यहाँ पर सी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर भी सी ऐड कर सकते हैं। इससे इस इक्वेशन के वैल्यू में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए दो नंबर दिया है, ए इक्वल टू सी दिया है, ठीक है, तो ए इक्वल टू बी दिया है, सॉरी ए इक्वल टू बी दिया है, तो हम इसमें से सी घटा सकते हैं, इसमें से हम सी घटा सकते हैं, इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। मान लीजिए दो नंबर दिया है ए इक्वल टू बी, तो हम यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। और मान लीजिए दो नंबर दिया है ए इक्वल टू बी, अब हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया सी से, तब भी इसके कोई वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। ये सारे अधिकार हमें इक्वेशन में प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये सारे अधिकार आपको इक्वेशन में प्राप्त होते हैं। इनके माध्यम से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं।
अब बात करते हैं एक और चीज़ की, हमारे पास कैंसिलेशन लॉ का भी अधिकार होता है। कोई भी इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास कैंसिलेशन लॉ का भी अधिकार होता है। कैंसिलेशन लॉ क्या कहते हैं ध्यान दीजिएगा, कैंसिलेशन लॉ के माध्यम से, जैसे कि ध्यान समझिएगा, अगर ए प्लस सी लिखा गया है और यहाँ पर बी प्लस सी लिखा गया है, तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, ए इजक्ल टू बी भी लिख सकते हैं, हम सी सी को कैंसिल कर सकते हैं। ये है कैंसिलेशन लॉ। अगर कोई चीज़ दो नंबर्स ऐड में दोनों तरफ बराबर है तो हम उसको हटा सकते हैं, ये कैंसिलेशन लॉ कहता है। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर एक और बात समझिए कि जैसे कि ए बी दिया है और यहाँ पर सी ए दिया है, तो यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ के माध्यम से हम ए को हटा सकते हैं क्योंकि ए दोनों तरफ है, तो हम क्या लिखेंगे, बी बराबर सी। ये कुछ बेसिक नॉलेज है, आपको इक्वेशन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी इस चैप्टर पर आप कमांड कर पाइएगा। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते। तो अब आगे देखते हैं क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अरे भाई, जनरल फॉर्म क्या होता है, अरे किसी चीज़ का जनरल फॉर्म होता है, हर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, तो इसका भी जनरल फॉर्म है। देखते हैं क्या होता है इसका जनरल फॉर्म। देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स वन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये है इसका जनरल फॉर्म। अब आप बात यहाँ पर ध्यान समझिए, ये अगर अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर ए की जगह जीरो कर देंगे, ए का मान जीरो के बराबर कर देंगे, तो ये जो है रैखिक समीकरण बन जाएगा। और कितने चर वाला, एक चर वाला। अगर हम यहाँ पे ए का मान जीरो करते हैं तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा, एक चर वाला क्या बन जाएगा, रैखिक समीकरण बन जाएगा, ठीक है, यानी एक चर वाला लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन समझ में आ रहा है, एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। अगर बी का मान आप जीरो करते हैं तब भी ये वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन ही बन जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ए और बी का मान जीरो नहीं हो तभी ये क्या होगा, तभी ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं, देखते हैं आगे क्या है हमारा थ्योरम। तो चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन, देखेंगे किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सोल्यूशन करते हैं, क्या इसका फाइनाइट सोल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, क्या इसका सोल्यूशन होगा, हम लोग इस वीडियो में अभी तुरंत देखने वाले हैं। देखिए, माना कि मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिया इन टू वेरिएबल्स, मतलब हमें क्या लेना है, वेरिएबल्स दो रखने हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल रखेंगे, तो हमने एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन लिख लिया। ये मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसको लिखा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखा, सेवन लिखा, कितने इसके आंसर हो सकते हैं, कितने हल हो सकते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, पहले बात तो दो कंडीशन है, हम लोग x और y का मान कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, और दूसरी कंडीशन ये है कि x और y का मान हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या और रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या ले सकते हैं। तो अब बात समझिए, अगर हम रियल नंबर लेते हैं, तो x इक्वल टू मान लेते हैं वन लिया, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। रियल नंबर है तो हम x इक्वल टू माइनस टू भी लिख सकते हैं, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, नाइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम सोल्यूशन निकालेंगे तो इस तरह से ETC मतलब इसका जो सोल्यूशन आएगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में रियल नंबर को पुट करते हैं, रखते हैं, तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको मिलता है। लेकिन अगर आप इसमें नेचुरल नंबर को रखते हैं, नेचुरल नंबर के केस में क्या होता है, ये तो रियल नंबर के केस में था, लेकिन नेचुरल नंबर आप रखते हैं तो नेचुरल नंबर रखने से आपको फाइनाइट सोल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं मिलता है। नेचुरल नंबर में हम केवल एक से लेकर अनगिनत तक की संख्याओं को काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं। तो यहाँ पर हमने एक रखा, ध्यान समझिएगा। तो नेक्स्ट जो इसका वैल्यू आएगा, वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने दो रखा तो फिर वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। यहाँ पर हमने तीन रखा तो फिर वाई का वैल्यू चार आ जाएगा। यहाँ पर हमने अगर चार रखा तो वाई का वैल्यू तीन आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हमने फाइव रखा तो वाई का वैल्यू दो आ जाएगा, सिक्स रखा तो वाई का वैल्यू वन आ जाएगा। दैट मीन्स फाइनाइट सोल्यूशन है, ध्यान से समझिएगा। कितना इंटरेस्टिंग है मैथ, कुछ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको करना क्या है, आपको बस मन लगा कर कॉन्सेप्ट को सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फाइनाइट सोल्यूशन है इसका, यहाँ पर इसका फाइनाइट सोल्यूशन है, और लेकिन इसका फाइनाइट सोल्यूशन, इसका जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। दैट मीन्स आप लोग नोट में लिख सकते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर उसमें हम लोग रियल नंबर पुट करते हैं तो उसके सोल्यूशन जो होते हैं इनफाइनाइट होंगे, लेकिन अगर हम उसमें नेचुरल नंबर रखेंगे तो उसके सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, फाइनाइट हो जाएंगे। यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और उनके हल के बारे में जानने वाले हैं। अब आप जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के क्या हल होते हैं, इनफाइनाइट हल होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यहाँ पर x और y के इनफाइनाइट हल होते हैं। यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, x की जगह वैल्यू कुछ रखिए तो y का वैल्यू कुछ मिलेगा, x की जगह वैल्यू कुछ रखिए तो y का वैल्यू कुछ मिलेगा, समथिंग वैल्यू रखिए समथिंग मिलेगा, यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू आपको पॉसिबल है। लेकिन अगर ये पेयर में रहेगा तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए कि हमने लिखा यहाँ वाई और -5 -x, ठीक है, इक्वल टू 5 लिखा। अब ये क्या हुआ कि दो इक्वेशन का पेयर हो गया, जब दो इक्वेशन का पेयर हो गया तो इसके फाइनाइट वैल्यू होंगे, यानी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होंगे, एक ऐसा वैल्यू आएगा जो एक्स और वाई के लिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सरल युगपत समीकरण। सरल युगपत समीकरण कहने का तात्पर्य है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि इसका जो आंसर होगा, एक्स और वाई का जो आंसर होगा वो केवल एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बल्कि वो इन दोनों इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन से मेथड होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये सारे बातों को हम लोग जानेंगे एक और वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन आप लोग आगे अभी देखिए इसमें क्या होता है। अब मैं इसको अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखूँगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9 मैंने लिखा, और यहाँ पर मैंने माइनस एक्स यहाँ पर पहले कर दिया, प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखा। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 2y इक्वल टू 14, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। दैट मीन्स 7 और 2 एक ऐसा वैल्यू है जो इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। 7 और 2 एक ऐसा वैल्यू है जो इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो पेयर्स हैं इनको ग्राफिकल मेथड्स यानी आलेखीय विधि के माध्यम से भी सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे और सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम लोग ये भी जानेंगे किस किस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि बाई कंपेरिजन होता है, बाई सब्स्टिट्यूशन होता है, बाई इलिमिनेटिंग होता है, एंड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बाई रेशियो डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। इन सारे मेथड्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो पेयर्स हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से किस तरह से इसका सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।